अपने दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जुहार, जय हिंद। बहुत अच्छा टॉपिक है और इस टॉपिक को ढंग से समझिए तो काम आएगा, और खासकर शिवांगी झा के लिए स्पेशल है, क्योंकि शिवांगी इज ऑलरेडी सीपी है, यू आर सीपी, अंडरस्टैंड, रोशनी अच्छा बिहार। तो मैं लक्षण बता दिया हूँ, पूर्व भी एक वीडियो भी बना हुआ है, अगेन आगे बता रहा हूँ। हाँ, ये तो सब देखते हो, क्लास आओ नहीं आप, वीडियो देखने से ही तो सुविधा है कि कहीं भी रहो आप कुछ सीख सकते हो। तो चलिए, परमस्तिष्क अच्छा घात, परमस्तिष्क क्या है, सीपी क्या है, इसके बारे में मैंने चर्चा इसके पूर्वाज पूर्व किया था, हमारा वीडियो भी बना है, और इसके लक्षण कैरेक्टर्स ऑफ सीपी सेरेब्रल पॉल्सी। तो देखिए, सामान्य बच्चों की तुलना में ऐसे बच्चे का विकास धीमा होता है, क्या होता है, स्लो एंड डिले डेवलपमेंट होता है। गर्दन नियंत्रित करने, बैठने की क्रिया सीखने में बहुत समय लगता है, आने हेड कंट्रोल और उठने बैठने में भी इसको समय लगता है। भाषा विकास भी क्या होता है, लैंग्वेज विकास भी डिले होता है। वाह वाह बेटी, सब जानती है, पढ़ना चलो ठीक, दूर का काम ही बता देना। कभी कभी ऐसा भी होता है, इसको सुनने और बोलने संबंधी भी समस्या होता है। जो आज की पूर्व क्लास में मैंने 12 टाइप्स ऑफ सीपी बताया था, तीव्रता के आधार पर, चिकित्सीय के आधार पर, तो ये 12 प्रकार के सीपी बताए हैं। उसमें एक ऐसा है सीपी जिसमें ड्रूलिंग प्रॉब्लम होता है, यानी बच्चे व्यक्ति के मुंह से साइवा लार टपकते रहता है। ऐसे बच्चे या तो बहुत संचल होते हैं कई मामले में, और कई मामले में बिल्कुल शांत होते हैं। ऐसे बच्चे बहुत उदास दिखते हैं, सुस्त दिखते हैं, क्योंकि ये अपने शारीरिक समस्याओं से ग्रसित होते हैं। कपड़ा पहनते समय, नहलाते समय शिशु का शरीर कभी कभी टाइट हो जाता है, अकड़ जाता है। बाबू जी, अब हम पढ़ने में और आनंद आ रहा है, क्योंकि पढ़ने वाला है। देखिए, जब पढ़ने में आप इंटरेस्ट देते हैं ना, तो पढ़ाने में आनंद आता है, और जब पढ़ने वाला चुपचाप रहे तो लगता है मैं कथा सुनाते जा रहा हूँ, हमारा कथा सुनने वाला लड़का है इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। चलिए, अच्छी बात है। कई बच्चे सीपी के साथ साथ एसोसिएट प्रॉब्लम, इंटेलेक्चुअल डिजेबल सिस्टम का भी प्रॉब्लम होता है। ऐसे बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में निश्चित रूप से पिछड़े रहते हैं। जहाँ इन सारे 10 जो सिस्टम में बताया आप देखें, तो समझें कि निश्चित रूप से सीपी है। अब इसका प्रबंध योजना, आखिर इसको हम कैसे, इसका सुधार कैसे करें, इसके बारे में हम क्या करें, तो सबसे पहले विशेष शिक्षा, स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन के द्वारा इसको हम बहुत सुधार कर सकते हैं। जैसे गंभीर और अति गंभीर जो परमस्तिष्क घात होते हैं, सीपी चाहिए, जो कल मैंने बताया था, सीवियर वाले, तो उनके लिए जो है विशेष विद्यालय की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये लोग समान स्कूल में एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। तब जो गंभीर और अति गंभीर है, माय प्रोफाउंड और सीवियर है, तो उनके, हाँ, उनके स्पेशल स्कूल में रख करके इनके स्पेशल ट्रेनिंग के द्वारा इनको कुछ सुधार ला सकता है। समेकित शिक्षा माने परमस्तिष्क अच्छा घात, जो अल्प यानी माइल्ड और मॉडरेट होता है, अल्प मत या अति अल्प, बहुत हल्का जो होते हैं, तो उनको सामान्य बच्चों के साथ भी शिक्षा दी जा सकती है। जैसे आप हैं, उदाहरण में आप हैं, अपने हाथ उठा दिए, यूट्यूब बन रही है, उठा दीजिए आप, वेरी गुड। दैनिक जीवन की जैसे जो गंभीर और अति गंभीर होता है, तो उनको तो सबसे पहले अपने जीवन जीने की कला सीखनी होगा। जो रोजमर्रा का काम है, गंदगी करना, बाथरूम जाना, शौच करना, खाना खाना, कपड़ा पहनना, ये सारी चीजें सेल्फ रिस्पेक्ट को अपने आप कस्टोडियन में आ जाएंगे आजीवन देख रहे, तो उसके लिए तो विशेष विद्यालय की जरूरत है। और जो हल्का है तो सामान्य स्कूल में पढ़ लेंगे, उनकी उतनी समस्या नहीं है, लेकिन इन लोगों के लिए काफी समस्या है। हाँ, और ऐसे ही बच्चों को भी जो सीपी, अटेस्टी, आईबी, मल्टीपल लीवर के लिए नेशनल पुरस्कार करती है, जो
नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 के तहत वो काज करती है, क्योंकि यह बहुत कठिन कार्य है। इसके लिए मिनिस्ट्री ने इसको अलग से बहुत ट्रेनिंग देने के बाद थोड़ा बहुत सुधार होता है। अब है इसमें खेल चिकित्सा, ऐसे बच्चों को प्रबंधन के लिए खेल चिकित्सा खेल से बहुत कुछ सिखा सकते हैं। ऐसे पीड़ित बच्चों को शारीरिक समस्या के साथ साथ कौशल समस्याएं हैं, ठीक है, तो इन्हें खेल और इनको ऐसा वातावरण दे करके, माने उसको धन का वातावरण दे करके हम इनको बहुत कुछ सिखा सकते हैं। खेलने से क्या होता है, हमारी शारीरिक एक्टिविटी बढ़ती है, मानसिक स्वस्थता बनी रहती है, कुछ मायने में सहायक उपकरण की जरूरत होता है। जो सीपी बच्चे बहुत होते हैं, बैठने के लिए सीपी चेयर चाहिए, सीपी चेयर नहीं लिख पाते हैं, आई पॉल्यूशन नहीं है, तो उनके लिए हम टेबल बनाएंगे, जिसमें बेट बनाएंगे। अगर पेंसिल माने फाइन मोटर स्किल नहीं है तो पेंसिल आएंगे, उसमें टेप बांधेंगे ताकि लिखने लायक बने। तो जो सहायक उपकरण हैं, जो भी उनको हो जाए, कुर्सी मेज टेबल या और जैसे चम्मच खाने के लिए तो चम्मच में बांध देते हैं, कभी तो कभी डॉक्टर उसको बांधते हैं, पता करें ढंग से होता है, हाँ जिससे उसको हेल्प मिल सके, वैसा चीज हम उसका टूल्स का यूज करके उसको उपयोग में ला करके हम ट्रेनिंग देंगे। अब आ रही व्यवसायिक प्रशिक्षण और रोजगार की बात। तो प्रवर्तक पक्षाघात जो अल्प होते हैं, माइल्ड मोटर होते हैं, तो उनको ट्रेनिंग दे करके जीवन जीने के लायक बनाया जा सकता है। जैसे सिलाई मशीन दे दीजिए या कंप्यूटर ट्रेनिंग दे दीजिए, तो आराम से कंप्यूटर ट्रेनिंग में स्टाइपिंग कर सकते हैं, जेरोक्स कर सकते हैं, लेमिनेशन कर सकते हैं। तो ये सब होकर सब दे करके तुम बच्चे अगर नौकरी मिली नाम मिली तो फिर अपने स्वयं का रोजगार चला करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं। अब क्या है कि अस्थिर दिव्यांग संबंधी शल चिकित्सा, कई एक मामलों में जैसे आपका भी क्वेश्चन हुआ है, तो कई एक मामलों में जहाँ सिकुड़न और शिथिलता होती है, जैसे इसमें स्टिफनेस है या तो उसको दूर करने के लिए हम शल चिकित्सा कराएंगे। विकृति कोई विकृति हमारी ऐसे होना चाहिए हमारा ऐसे है, इसको सुधारने के लिए इसके लिए हाँ हम फिजियोथेरेपी कराएंगे या शल चिकित्सा कराएंगे। मांसपेशियों को पुनः निर्माण, माने मांस है और उसमें पावर नहीं है, तो उसमें पावर आने के लिए हम हाँ जिससे हमारा उसको मसल ब्रेक पावर बढ़ सके और सामान्य रूप से हम चल सके। औषधि चिकित्सा होता है, जैसे एस्पासिटी कम करने के लिए, जैसे कितनों में एस्पासिटी होना था और कुछ अनैच्छिक गतिविधियां है जैसे हाइपर एक्टिव है या कुछ है, तो उसको रोकने के लिए कुछ मेडिसिन है, या नींद नहीं आती हो तो उसके लिए कुछ मेडिसिन है, तो हम कुछ दवाइयां ले सकते हैं, हम शल चिकित्सा करा सकते हैं, हम रोजगार से जोड़ने के लिए कुछ रोजगार पर ट्रेनिंग देकर के सिखा सकते हैं, कुछ सहायक उपकरण भी उनको हम बच्चे को दे सकते हैं ताकि वो ठीक ढंग से कर सकें। जो अति गंभीर सीवियर और हम होंगे उनको स्पेशल एजुकेशन के द्वारा हम अभी तक ट्रीटमेंट ट्रेनिंग कर सकते हैं, समाकृत शिक्षा में तो हम उनको दे सकते हैं, जो माइल्ड और मॉडरेट होंगे माने हल्का हाँ हल्का से भी होंगे उनको। खेल तो सबके लिए जरूरी है कि खेल खेल से व्यक्ति बहुत कुछ सीख सकता है, चाहे वह समान हो या हाँ चाहे वह समान हो या असमान हो। अतः हमारा आपका जो एक वीडियो था दोनों नंबर वन प्रैक्टिस ऑफ सीपी एंड मैनेजमेंट ऑफ सीपी, तो प्रैक्टिस ऑफ सीपी में बता दिया क्या इसका लक्षण है, क्लियर हो गया। पूर्व में वीडियो बना वो भी देखें, आज का वीडियो देख लेंगे। अब प्रवर्तक पक्षाघात प्रबंधन कैसे करेंगे, तो प्रबंधन के लिए सबसे प्रथम क्या है कि आपका हम उसको क्या करेंगे कि विशेष शिक्षा से जोड़ेंगे, सीनियर और प्रथम है समय की शिक्षा से उसको जोड़ेंगे, जो माइल्ड मॉडरेट है, दैनिक जीवन एडियल एक्टिविटी से जिसको जरूरत होगा तो उत्पन्न का काम उसमें ट्रेनिंग देंगे, खेल चिकित्सा जरूर रखेंगे हम, सहायक उपकरण जो आवश्यकता पड़ेगी जैसे उसे हम देंगे, व्यवसायिक चिकित्सा से जो सीखने के लायक होगा उसी उसको हम ट्रेनिंग दे देंगे, जिसमें प्रथम हो सके। कई एक मामले में आपको शल चिकित्सा सर्जरी की जरूरत पड़ेगी वो भी हम करा सकते हैं, और कुछ औषधि फोन करने में हाइपर एक्टिव बनकर भी मदद करता है। अतः इन सारी सुविधाओं को देकर के हम इनका मैनेजमेंट कर सकते हैं। जय हिंद।